चैप्टर 14 क्लास 11 का मैथमेटिकल रीजनिंग देखा है। ध्यान रखिए कि ह्यूमंस हम लोग काफी सुपीरियर है क्योंकि हमारे पास रीजनिंग की एबिलिटी है, हम सोच सकते हैं, हम रीजन कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में। आप पहले ऑलरेडी मैथमेटिकल इंडक्शन देख चुके हैं क्योंकि दो टाइप की रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव एक डिडक्टिव। तो इंडक्टिव रीजनिंग आप देख चुके हैं कि अगर पहले के लिए सही है, यहां सही है, तो इसके लिए सही है, तो हम कहेंगे सभी के लिए सही है। इस तरीके की चीज हम देख चुके हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है, जब हम स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाऊं मैं। 2003 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ वुमेन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है एन एलिफेंट वेज मोर देन ए ह्यूमन बींग। अब ये दोनों हमने पढ़े, अब हमने क्या किया कि इसको देखा कि ये सही है या गलत है। थोड़ा सा गलत लग रहा है क्योंकि जिसको आइडिया होगा वो तो बता देगा, जिसको आइडिया नहीं होगा या 2003 को दिखेगा जाके वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था। अगर यहां पर दिख रहा है, थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो बोलेगा थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसको जरा कंफर्म कर लूं। लेकिन अगर एलिफेंट की बात करेंगे, हाथी को देखेंगे, ह्यूमन बींग को देखेंगे, तो लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके लिए थोड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप जाके देखें तथ्यों की तरफ, तो 2003 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विमेन नहीं थी। इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स में इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे उसे हम स्टेटमेंट्स कहेंगे। एक और जरा सेंटेंस देखिए, विमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन। अब ये एक सब्जेक्टिव चीज हो गई, कुछ लोग इसको अग्री करेंगे, कुछ इसको डिसएग्री करेंगे, तो हम इसको ट्रू और फॉल्स तो बोल नहीं सकते। ये एम्बिगुअस है, दिस सेंटेंस इज एम्बिगुअस। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम मैथमेटिक्स में उपयोग नहीं करेंगे जो एम्बिग्यूटी प्रदान करते हैं, जिसमें जो सब्जेक्टिव हो जाता है बेसिकली, जिसको जो ट्रू नहीं है या फॉल्स नहीं है। तो अगर कोई भी सेंटेंस हम मैथमेटिक्स में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। तो इसी को हम मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कहेंगे। हाँ, ये मैथमेटिक्स में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे और आपकी चीजें आएंगी, 2+2=4 बिल्कुल सही है, दो पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर जो है वो ऑड नंबर्स है। अब बताइए ये जो चीज है, क्या आप इसको सही बोल सकते हैं, क्या ये सही है? तो इसमें एक सेंटेंस आपका गलत है, एम्बिग्यूटी नहीं है आपकी। और प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, अगर आप टू अगर प्राइम को छोड़ दें तो बाकी तो सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड ही होते हैं, दो को छोड़ के, है ना। तो इसमें हम वही एक्सेप्ट करेंगे जो एम्बिग्यूस ना। एक सेंटेंस देख लीजिए जो वेग है, अरे आप बोलते ना अरे वेग आंसर दे रहे हो आप, तो देखिए इसको कैसे, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, ना एक्स का पता ना वाई का पता, अब ये जीरो से कैसे ग्रेटर होगा, कैसे बता पाएंगे आप, कैसे बताएंगे? तो इस पोजीशन में हम बता नहीं सकते कि ये ट्रू और फॉल्स है जब तक हम एक्स और वाई के तथ्यों पर ना जाए। अब एक्स और वाई को वैल्यू दीजिए और फिर बोलिए कि हाँ ये सही है गलत है, तब हम बता सकते हैं कि हाँ ये सही है गलत है, राइट। किसी भी नेचुरल नंबर एक्स और वाई के लिए, अब देखिए इसी सेंटेंस को हम थोड़ा जरा चेंज कर रहे हैं। किसी भी नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो आप जीरो से ज्यादा मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। नेचुरल नंबर्स आप जोड़िए, जीरो से ज्यादा मिलता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा अलग हटके, हाउ ब्यूटिफुल, ओपन द डोर, वेयर आर यू गोइंग, क्या ये सेंटेंसेस है? ये तो अंग्रेजी के सेंटेंसेस है, ये एक्सक्लेमेशन है, दूसरा आपका ऑर्डर है, तीसरा सवाल पूछा जा रहा है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको नहीं ले पाएंगे, राइट। और वो भी चीज है जिसमें टुडे आएगा, टुमारो, यस्टरडे, ये भी स्टेटमेंट नहीं होते क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा टाइम रेफर किया गया। जैसे टुमारो इज फ्राइडे, टुमारो इज फ्राइडे, ये स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, अगर स्टेटमेंट थर्सडे को दिया गया है तो अगला दिन तो फिर फ्राइडे होता है। इसी तरीके से प्रोनाउंस, जब प्रोनाउंस आएंगे तो हेयर है, देयर है, शी इज अ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, कश्मीर इज फ्रॉम फॉर हेयर, फ्रॉम फ्रॉम हेयर, ये शी कौन है, हेयर कौन, हेयर कौन सी जगह है, इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं। एक और सेंटेंस देखिए, देयर आर 40 डेज इन अ मंथ, क्या ये सही है? कोई ऐसा महीना बताइए जिसमें 40 दिन है। ऐसे स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे, ऐसे स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट होते हैं, कोई भी मंथ ले लीजिए आप, ये हमेशा फॉल्स रहेंगे, ऑलवेज फॉल्स। कोई भी मंथ 31 से एक्सीड नहीं करेगा,
राइट। तो जो भी स्टेटमेंट, अब हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं, वो स्टेटमेंट फैक्ट हो जाएगा, या तो वो सही होगा या तो फॉल्स होगा, एक साथ कभी नहीं होगा। तो आप देखिए, हम इसमें जब भी ये स्टेटमेंट यूज करेंगे तो इसमें पी क्यू आर इस तरीके के यूज करेंगे, ये जो लेटर्स हैं इनको यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे फायर इज ऑलवेज हॉट, हम इसको पी से डिनोट करते हैं, इस पूरे पूरे सेंटेंस से, इसको पूरे सेंटेंस को हम पी से करेंगे। तो हम इसे कर सकते हैं पी कोलन हम करेंगे फायर इज ऑलवेज हॉट, ऐसे लिखेंगे। अब जरा एग्जाम्पल पे देख लेते हैं इसको, आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट्स है कि नहीं, और आपको उत्तर भी देना है इसका। 8 इज लेस देन 6, 8 क्या 6 से लेस है? ये फॉल्स है बिल्कुल, मतलब आप इसमें बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक कह सकते हैं हाँ साहब ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। सेकंड आइए, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट। अब इसमें देखिए कि कोई भी सेट अगर आप फाइनाइट बोल रहे हैं, फॉल्स भी है, द सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो फाइनाइट नहीं होंगे, यानी फाइनाइट सेट भी है आपके पास, इनफाइनाइट सेट भी है, लेकिन ये स्टेटमेंट है। इसी तरीके से सन इज अ स्टार, तो एस्टैब्लिश्ड है कि सन भी एक स्टार है, तो ये हमेशा सत्य रहेगा, तो स्टेटमेंट है। अब मैथमेटिक्स इज फन, अब मैथमेटिक्स फन ये बड़ा वो है, क्योंकि कई लोग, मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है लेकिन कई लोग इसे फन मानने से इनकार कर सकते हैं अगर आप उनके समक्ष ये बात रखें तब। तो ये तो स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड्स, क्या क्लाउड के बगैर पानी गिर सकता है? ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड है फिनोमेना कि ये क्लाउड नहीं बनेगा तो पानी कैसे गिरेगा, तो ये स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये हमेशा सत्य है ये। अब अगला सवाल जो है वो ये है, हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हेयर, क्वेश्चन मार्क पहले तो लग गया, तो उससे इससे पता चल गया कि नहीं साहब ये तो स्टेटमेंट दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा और इसकी तफ्तीश करते हैं। हेयर, हेयर क्या है, किस जगह की बात कर रहे हैं, जगह पता ही नहीं है हमें, तो ये अभी वेगनेस पे चला गया, तो स्टेटमेंट भी है, नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी है, और हेयर भी इसमें दिक्कत पैदा कर रहा है इसको स्टेटमेंट बनाने में। अब न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड, अब हम क्या करेंगे कि नए स्टेटमेंट जो ऑलरेडी है उनसे बनाएंगे। जैसे बूल साहब है, बहुत बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बूलियन अलजेब्रा वगैरह सब बहुत सारी चीजें इनके नाम पे हैं, बहुत ही वाज अ ग्रेट ग्रेट मैथमेटिशियन एंड ही गेव सो मच सो मेनी थिंग्स टू मैथमेटिक्स। उन्होंने अपनी बुक में लॉ ऑफ थॉट में लिखा 1854 में कि ये चीज बताई उन्होंने, और मैथमेटिक्स के हिसाब से अब वही जो उन्होंने बताया उसमें हम दो टेक्निक अब जरा देखते हैं। पहली स्टेप ये है कि हम किस तरीके से अपनी सोच जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है उसको और डीप ले जाएं। इसका मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट ट्रू है नहीं ट्रू है उसको कैसे हम एस्टैब्लिश करेंगे। अब देखिएगा, इसको पहले नेगेशन की बात करते हैं। अगर हम डिनाई करते किसी चीज स्टेटमेंट को, उसे हम कहते हैं निगेशन। जैसे न्यू दिल्ली इज अ सिटी, अगर इसका निगेशन करना है, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, या हम और सरल शब्दों में इसको कह सकते हैं न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। अब जरा स्टेटमेंट पे हम पी के इसके हिसाब से आते हैं, डेफिनेशन देते हैं। पी स्टेटमेंट है इस नेगेटिव के निगेशन के हिसाब से, पी स्टेटमेंट है तो जो निगेशन है पी का वो भी स्टेटमेंट होगा, और उसको हम टिल्डे, ये जो टिल्ड साइन दिख रहे हैं, टाइल्डे बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं इसको, इसको हम नॉट पी बोलेंगे। यानी कि अगर हम पी के आगे यू लगा दें, पी स्टेटमेंट है, नॉट पी के आगे हम ये लगा देंगे, मतलब नॉट का साइन इससे लगाएंगे तो ये नॉट पी हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिए कि जब हम निगेशन का स्टेटमेंट बनाते हैं, इट इज नॉट द केस, इट इज फॉल्स, ये भी हम यूज कर सकते हैं। निगेशन स्टेटमेंट किस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग को, सोच को और मजबूत करते हैं। एक स्टेटमेंट हमने बनाया पी कोलन करके, एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, इसका डिनायल करें, जरा निगेशन करें, तो इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, नॉट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन।
इसका मतलब ये हो गया, इसका कतई ये मतलब नहीं हुआ कि कोई भी इंसान जर्मनी में जर्मन नहीं बोलता या बोलता, ये भी हम कह सकते हैं। कम से इसका मतलब ये है कम से कम एक आदमी ऐसा होगा जो जर्मन नहीं बोलता है। अब इसमें जरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो अभी मैंने बताया इसको आप जो जर्मन की चीज अगर नहीं समझ में आई तो इसमें और क्लियर होगा। हम इसका निगेशन करेंगे, बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। अब आप ये जानते हैं कि ये सत्य है, बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम, निगेशन करते हैं। इट इज फॉल्स दैट बोथ द डायगोनल्स इन अ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। इसका मतलब क्या होगा, देयर इज एटलीस्ट वन रेक्टेंगल हुज बोथ डायगोनल्स डू नॉट हैव द सेम लेंथ। कम से कम एक ऐसा रेक्टेंगल होगा जिसका जिसके दोनों डायगोनल्स ऐसे होंगे जिसकी सेम लेंथ हो, डू नॉट हैव द सेम लेंथ। एक ना एक ऐसा रेक्टेंगल होना चाहिए, ये निगेशन कर रहा हूं मैं उसको, कम से कम एक रेक्टेंगल हुज बोथ डायगोनल्स डू नॉट हैव द सेम लेंथ, जिनकी लेंथ ना हो। तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, मतलब दिस इज टोटल नेगेटिव, इसका पूरा उल्टा है। अगर हम कहें कि इट इज नॉट द केस, ये रूट सेवन इज रैशनल, अगर निगेशन करना चाहे तो रूट सेवन इज नॉट रैशनल ऐसे लिख सकते हैं या कह सकते हैं इट इज नॉट द केस दैट रूट सेवन इज रैशनल। अब इसका निगेशन आपको लिखना है और ये देखना है कि क्या वो स्टेटमेंट जो रिजल्टिंग आ रहा है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, सॉरी, तो निगेशन जो है इसका इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज फॉल्स दैट ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट। अब इसको रीरिटन करिए, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, ये तो फॉल्स हो गया ना। इसी के बारे में बात कर रहा था, जर्मन की बात कर रहे थे हम, वो यही था। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल इट्स साइड इक्वल। अब ये डज नॉट इसमें आ गया, अब हम इसको जरा नेगेटिव में जाते हैं। इट इज नॉट द केस दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। क्यों, क्योंकि ऐसे क्वाड्रिलेटरल तो ये सही हो गया ना, क्योंकि ऐसे क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जो जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। दिस बिकेम ट्रू, निगेशन ने ट्रू किया इसको। अगला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो आप देखिएगा इसमें कि इसको हम अगर फॉल्स करें तो इट इज फॉल्स दैट एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। इसको जरा और रीराइट करते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। क्या ये हो सकता है, नेचुरल नंबर तो जीरो से कम हो नहीं सकता, तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरीके से एक और है, द सम ऑफ थ्री एंड फोर इज नाइन, सम ऑफ थ्री एंड फोर इज नाइन। अब देखिए इसको हम किस तरीके से राइट करेंगे, इट इज फॉल्स दैट सम ऑफ थ्री एंड फोर इज नाइन, ये ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि द सम ऑफ थ्री एंड फोर इज नॉट इक्वल टू नाइन, दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्टेड, यही तो सही है ना। अब जरा कंपाउंड स्टेटमेंट में आते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हम अगर कंबाइन करें दो स्टेटमेंट को, जैसे करेक्टिंग वर्ड्स एंड है और है, इसे मिला के अगर करें तो देखिएगा, एक स्टेटमेंट है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। इसका मतलब यह है कि या तो बल्ब में कुछ खराबी है या आपके वायरिंग में खराबी है। तो इस स्टेटमेंट को एक्चुअली हम कैसे लाए हैं या कैसे बना है, एक देखिए क्यू है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दी वायरिंग, इन दोनों को और से जोड़ दिया गया है। अब देखिए स्टेटमेंट पी और क्यू इसमें क्या बोल रहे हैं, सेवन इज एन ऑड नंबर, सेवन इज अ प्राइम नंबर। इसको हम एंड से अगर कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं सेवन इज बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आई कंपाउंड स्टेटमेंट की, कंपाउंड स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बना है। हर एक स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट कह रहे हैं। कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स, स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। सो कैसे करेंगे, पी लिखेंगे स्काई इज ब्लू, दूसरा लिखेंगे द ग्रास इज ग्रीन, और इसके बीच में कनेक्टिंग वर्ड है आपका एंड। यहां पर भी एंड है, यहां पर एंड है, यहां पर और है। तो दूसरा है इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, सो इट इज रेनिंग इट इज कोल्ड। फिर अगला आएगा ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। इसी तरीके से जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर एंड जीरो
इज ए नेगेटिव नंबर, क्योंकि जीरो नेगेटिव ही होता है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव एक ही बात है. फाइंड द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और नॉट. अब इसके कंपाउंड स्टेटमेंट लेने हैं और अब बताना है कि वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स फोर साइड्स आर इक्वल. तो पहला बनेगा स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, ये सही है. अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स इक्वल, ये सही हो गया. फिर ऑल प्राइम नंबर्स आर आइदर इवन और ऑड, यानी ऑल प्राइम नंबर्स आर इवन, ये एक स्टेटमेंट हो गया. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये एक स्टेटमेंट हो गया. अब इसमें देखिएगा कि जो दूसरा वाला है इस वाले में, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके आपके फॉल्स हो गए, राइट, क्योंकि टू आता है इसमें. अ पर्सन हु हैज टेकन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस कैन गो फॉर एमसीए, तो दोनों ही सही है. पर्सन जिसने कंप्यूटर साइंस, ये जिसने मैथ्स लिया है वो भी जा सकता है. जो अ पर्सन हैज टेकन मैथमेटिक्स कैन गो फॉर एमसीए, अ पर्सन हु हैज टेकन कंप्यूटर साइंस कैन गो टू एमसीए. अगला है चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड यूपी. चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, लेकिन चंडीगढ़ हरियाणा की तो है, यूपी की नहीं है, पंजाब की है, तो ये गलत हो गया सेकंड वाला. रूट टू इज रैशनल नंबर एंड रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो इसमें एक ही चीज सही हो सकती है. रूट टू में अब आप जानते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया, लेकिन रूट टू इरेशनल नंबर होता है ये हम जानते हैं. अब है आपका 20, ये वाला देख लेते हैं. 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ऐसे तीन बनेंगे इसमें. अच्छा देखिएगा, तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है. क्यों? 24 को जरा इन तीनों से डिवाइड करिए, आपको जीरो मिलेगा, राइट. तो ये हमने पहला पार्ट देखा मैथमेटिकल रीजनिंग का, और भी है अभी. बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की.